हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी राजस्थान की ट्रेडिशनल सब्जी गोविंद गट्टे, जिनको शाही गट्टे भी कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी गोविंद गट्टे। गोविंद गट्टे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का डो बनाएंगे। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। 1 पिंच इसमें हींग डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का पाउडर डाल रही हूँ। घी और बेसन को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी और बेसन अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब इसको मैं दही से गूंदूंगी। इसमें पानी नहीं डालना है। इसमें मैं पहले 3 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ, फिर ज़रूरत लगेगी तो और डालेंगे। इसका हमें एकदम सख्त डो बनाना है, पूड़ी के जैसा। ये देखिए हमारा सख्त सा डो बनके तैयार है और दही की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं ढक के रख दूंगी। इतनी देर में इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। स्टफिंग के लिए ये मैंने 1/2 कप मावा लिया है, जिसको खोआ भी कहते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें चॉप किए हुए काजू डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें पिसे हुए मखाने डाल रही हूँ। मखानों को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इन सबको मिला लूँगी। हल्का सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। स्टफिंग बनके तैयार है। अब गट्टों का डो देखेंगे। इसको थोड़ा सा मल लेंगे फिर से। अब इसकी इतनी बड़ी बड़ी बॉल बना लेंगे। अब हाथ पे हल्का सा देसी घी लगाया है मैंने और इसको इस तरह से कटोरी सी बना लेंगे। ये देखिए जो स्टफिंग बनाई थी उसकी भी ऐसे बॉल बना लेंगे। इसको इसमें रख के स्टफिंग को अंगूठे से दबाएंगे। इस तरीके से इसको बॉल बना लेंगे। इसी तरह सभी गट्टे बना लूंगी। सभी गट्टे बन गए हैं। अब मैं इनको बॉईल करूंगी। गट्टे बनाने के बाद चेक कर लें कि उसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह ना हो। अगर है तो उसको ऐसे हाथ से ठीक कर लें। गट्टे उबालने के लिए एक बड़े से बर्तन में पानी डाल लें। पानी में मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाली है। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। ढक्कन लगा के इसको उबाल आने दूंगी। पानी में उबाल आने लग गया है। अब इसमें एक एक गट्टा लेंगे और पानी में छोड़ देंगे। गैस के फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे जिससे पानी में बबल्स आते रहें। जब आप पानी में गट्टे डालेंगे तो बेसन भारी होता है, वो जाके नीचे बैठेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये पकेंगे फूल फूल के अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अब इनको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। बीच में धीरे धीरे से इनको एक दो बारी चला देंगे। गट्टों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और गट्टे हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं। अब मैं इनको पानी से निकाल लूंगी। गैस को बंद कर रही हूँ। हल्का सा ठंडा होने पे गट्टों को मैं फ्राई करूंगी। ये पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब मैं गट्टे फ्राई करूंगी। गट्टे फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम करूंगी। ऑयल को मीडियम हॉट गरम करेंगे। एक एक करके गट्टे अपने छोड़ देंगे इसमें। अब इनको लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे।
देखिए गट्टे गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं, गैस को बंद कर रही हूँ, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। अब इनकी ग्रेवी बनाऊंगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी डाला है, 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्चें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें ग्रेटेड अदरक डाल रही हूँ, 3 टमाटर को मैंने मिक्सी में बारीक प्यूरी बना लिया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, क्योंकि हमने जो पानी उबाले, जिस पानी में गट्टे उबाले थे उस पानी में भी नमक डाला था, वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसलिए नमक ध्यान से टमाटर की प्यूरी के हिसाब से ही डालें। गट्टे जो हमने बनाए थे उसमें भी अपना नमक अलग डाला था। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ढक्कन लगा के मसालों को थोड़ी देर पकने दूंगी। मसाले भुन गए हैं, देखिए ऊपर घी आ गया है। ऊपर मैं कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये देखिए ये 1 कप दही इसमें ऐड कर रही हूँ। जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक इसको चलाते रहेंगे, जिससे दही हमारा फटे नहीं। मसाले में अच्छी तरह से उबाल आ गए हैं, अब इसमें एक एक करके गट्टे छोड़ेंगे। सब्जी में कितनी अच्छी खुशबू और कितना अच्छा रंग आया है। जिस पानी में इसको उबाला था वो पानी ऐड करूंगी। सब्जी में उबाल आने लग गया है, अब इसको मैं ढक्कन लगा के स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। गोविंद गट्टों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे कितने सुंदर रंग वाली सब्जी बनी है। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, अब मैं इनको सर्व करूंगी। एक गट्टा मैं आपको काट के बताती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे गोविंद गट्टे बने हैं, अब मैं इनको सर्व करूंगी। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी गोविंद गट्टे। इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।